हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए हम लोग आज स्पैनर का साइज निकालते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्पैनर साइज फॉर्मूला, ठीक है ना। तो स्पैनर साइज के फॉर्मूला से हम कैसे किसी डाया, किसी स्टड या बोल्ट के डाया में कौन सा स्पैनर लगेगा इसको हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास स्पैनर है, ये हमारे पास कोई बोल्ट है और इसके ये जो हेड है, हेक्सागोनल हेड आपको दिख रहा है, उसमें आप कौन सा स्पैनर लगाए कि आसानी से बैठ जाए, स्लिप ना हो, इन चीज को आप ध्यान रखना है। अब देखिए ये एक बोल्ट है और एक नट है ना, इसमें से स्टड निकला हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे इसका डी क्या है। तो इसका डी, ये शैंक ये है और यहाँ थ्रेड्स है, तो ये इसको हम डी बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डी आ गया, मतलब डाया मिल गया है। अब जैसे कि आपने देखा होगा किसी कंपनी में, किसी आईटीआई में या किसी टेक्निकल फील्ड में कोई काम करने जाता है तो उससे पूछा जाता है कि बताइए कि 10 का बोल्ट है उसमें कितने का स्पेनर लगाया जाएगा या सही बैठेगा। तो हम लोग आज इस सारे क्वेश्चन का आपके जितने भी मन में जो डाउट है उसको हम क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। ये स्पैनर साइज है डी इंटू 1.5 ये प्लस 1, ठीक है। और प्लस 1 मींस होता है कि आप उसमें एक ऐड कर भी सकते हैं और नहीं करेंगे तो बढ़िया बैठेगा, उसमें सही बैठेगा, ठीक है। ये एस मींस होता है स्पैनर साइज। तो S इज इक्वल टू डी, डी मतलब डाया इंटू 1.5 प्लस 1, ये आप थोड़ा याद रखिए। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज देखिए कि इसमें जो 1 2 3 4 5 ये पांच साइज आपके सामने लिखा हुआ है, M3 M5 M16 M18 और M20, इस पांच साइज में ये फॉर्मूला थोड़ा काम नहीं करता है, इसमें कुछ ऐड करना पड़ता है। तो क्या ऐड करना है मैं आपको बताऊंगा, अब लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस साइज को निकालेंगे M3 ये 3 को यहां से हटा देते हैं क्योंकि 3 में ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। बाकी सभी साइज में अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। M4 देखेंगे, M6 M8 M10 M12, ठीक है। और फिर आप कुछ भी देख लीजिए, देख लीजिए वो भी चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ स्पैनर साइज में नहीं होता, जैसे 6 का स्पैनर नहीं होता है इस टाइप, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 4 का। तो 4 ये फॉर्मूला है डी इंटू 1.5 और प्लस 1, तो 4 और इसका 1.5 गुना यहाँ से आपको मल्टीपल करना है और आप प्लस उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 ये हो गया 6 है ना, प्लस 1 कितना हो गया 7। मतलब कि यदि आपको 4 का बोल्ट, 4 डायर के किसी बोल्ट को खोलना है तो उसमें आप 7 का स्पैनर लगाएंगे, ठीक है। 6 का स्पैनर नहीं होता है तो आप 7 का लगाएंगे, तो ये आपका 7 आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, 6 का डाया है, बोल्ट है, तो कितने का स्पैनर लगेगा। तो उसको ऐसा देखिए फिर से, 6 × 1.5 है ना, 6 × 1.5 और फिर प्लस 1, तो ये हो गया, आप इसको गुणा करेंगे तो आएगा 9 और प्लस 1। इसका मतलब यदि आपको 6 का खोलना है, 6 का बोल्ट को खोलना है तो आप कितना का यूज करेंगे, 9 या 10। ये प्लस 1 का मतलब होता है कि आप 9 का भी यूज कर सकते हैं और 1 जोड़ के 10 का भी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब स्पैनर यूज करते हैं तो 9 10 दोनों का लगता है, 9 का सही बैठता है एकदम टाइट और 10 का थोड़ा लूज बैठता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब आपको इसमें गुणा करने में यदि दिक्कत हो रहा हो तो देखिए क्या करना है। मान लीजिए 8 का, अब 8 लीजिए है ना, डी के जगह 8 लिया और 8 के आधा कर दीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल 8/2, 2 मतलब इसको हम आधा कर रहे हैं तो इसका हो गया 4, तो हमने 8 के साथ जोड़ दिया 4, कितना हो गया 12।
और एक प्लस तो 13, या तो आप 12 का लगाइए नहीं तो आप 13 का, ठीक है। 12 13 का स्पेनर 8 के बोल्ट के लिए बिल्कुल सही बैठेगा। चलिए और देख लीजिए, इसी एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे ही देख लीजिए, 12 का देख लेते हैं। 12, ठीक है, 12 को आधा किया 6, कितना हो गया 18। तो 18 प्लस 1, तो आप 18 का भी ले सकते हैं या 19 का भी ले सकते हैं। 18-19 का स्पेनर आप उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें एक 10 छूट रहा है, वो भी देख लीजिए। गुणा करके भी कर सकते हैं, आधा करके भी कर सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये 18, सॉरी 10 प्लस 5, 5 कहां से आया, तो 10 को दो भाग में डिवाइड किया, उसका एक हिस्सा लिया, 10 और 5 15, तो 15 और एक लगा दीजिए आप तो 16, मतलब कि 15 और 16 ये दोनों स्पेनर जो है 10 डाया। यदि यहां डाया 10 है तो आप 15 या 16 दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। 15 का यूज तब करेंगे जब उसको एकदम टाइट करना हो या टाइट को खोलना हो, और जब लूज हो जाता है तब आप 16 का यूज करिए, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी स्पेनर को उठा के उसको मूवमेंट देना पड़ता है, इसलिए आप यूज करिएगा इसको, ठीक है। अब आपको मैं बताया था कि आप लोग इस 3 और 2 5, इस 5 को थोड़ा सा अलग फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्या चेंज हुआ, इसमें आपको एक नहीं लेना है। चलिए अब 3 का मैं देखता हूं। 3 का आपको बहुत आसानी से मैं बताऊंगा, आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ये जो डी मतलब डाया है 3, ठीक है। अब इसको आपको करना क्या है कि आप 3 को 2 से भाग करेंगे, मतलब 2 भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, है ना, डेढ़। तो आप देखिए डी कितना है 3 है, और इसके आधा किया तो कितना हुआ डेढ़ हुआ, कितना हुआ 4.5। तो 4.5 का होता है क्या स्पेनर, नहीं होता है, तो कितने का होगा 5 का, ठीक है, 5 का स्पेनर होगा। 5 का देखिए, तो ये 5 लिया प्लस 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो कितना हो गया 7.5। तो 7.5 का होता है, नहीं होता है, तो कितने का होगा 8 का होगा, ठीक है। 5 के लिए 8 का स्पेनर लगाएंगे, ठीक, 5 के लिए 8 का स्पेनर। 16 देखिए, 16 और 16 का आधा कितना 8, तो कितना हो जाएगा 24, 24 बिल्कुल सही है। 18 का देख लीजिए, 18 का आधा 9, कितना हो गया 27, और 20, 20 का आधा 10, 30, है ना आसान। चलिए यहां खत्म नहीं हुआ, अब मैं आपको, अब ये तो स्पेनर का साइज निकालना तो आपसे बन गया है, ठीक है ना। अब देखिए आपको दूसरा रोचक चीज बताता हूं क्या है, थोड़े थोड़े चीजों के लिए हम फंस जाते हैं, हमको कहीं फंसना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, ये आपने बोल्ट के डाया को देखकर स्पेनर को निकालना सीख गए, अब मैं आपको बताऊंगा कि स्पेनर को देख के बोल्ट का डाया कैसे निकाला जाता है। अब मान लीजिए आपके हाथ में किसी ने एक स्पेनर दे दिया 18 का, आपके हाथ में किसी मिस्त्री ने, किसी एम्प्लॉय ने, किसी कारीगर ने आपको बोला है, आप नए हैं, आपको बोला है देखो भाई ये आपको मैं स्पेनर दे रहा हूं, ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो आपने बोला 18, तो बताओ ये कितने के बोर्ड में अप्लाई होगा, तब आप डर जाएंगे, बोलेंगे ये किस टाइप के सवाल है। आपको डरना नहीं है दोस्तों, आपको डटे रहना है। कैसे डटे रहेंगे, आप मनी मन उसको 3 भाग कर दो, मनी मन उसको आप 3 भाग कर दो तो हो गया 6। अब उसमें से एक भाग को निकाल दो, तो एक भाग निकाल दोगे या दो भाग ले लोगे, बातें किए तो आ जाएगा 12। बढ़िया है,
आपको डरना नहीं है, आपको सामना करना है। नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया आपके कारीगर ने या आपके बॉस ने 30 का स्पेनर आपके हाथ में दिया, 30 का स्पेनर दिया है और बोला है कि बताओ ये कितने डाया के बोल्ड में से लगाएंगे। तो आपको डरना नहीं है, आप उसको मनी मन 3 हिस्सा कर दीजिए तो 10-10 का हिस्सा बनेगा। एक हिस्सा को बाहर कर दीजिए तो 2 हिस्सा आपके पास है, 2 हिस्सा मीन्स 20। देखिए 30 के स्पेनर 20 के डाया, या 20 का डाया 30 का स्पेनर, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास 24 का स्पेनर दे दिया तो 24 को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। 24 का स्पेनर दिया आपके हाथ में, उसको 3 भाग में डिवाइड किया तो बचे कितना, एक भाग का माना है 8, तो आपको 2 भाग लेना है, तो 8 × 2 = 16, ठीक है। 16 का जो डाया होगा उसमें 24 का स्पेनर लगेगा, ठीक है। तो कैसा रहा ये वीडियो आप बताइए मुझे, और फटाफट लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। और नए यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ देखिए बहुत सारे लिंक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज है, MCQ 40 MCQ 20 क्वेश्चन है, आप उसको देखिए बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।